सपने में आ चुके हैं ये चार लोग और एक ने कर दिया है कन्फेशन। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस सुमुल जो है काफी सारी चीजें कर रही है, काफी सारी अपने दिल की बातें जो है वो सामने रखती है अब खुल के, जबकि वो पहले जो है ये बातें अंदर ही दबा के रख देती थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि कोई उसकी बात सुनेगा ही नहीं। और उसको सही भी लगता था, जब भी वो बात करने लगती थी तो जहां पर वो बैठती थी तो लोग जो है उसकी बातों को इंटरेस्ट नहीं देते थे और वो चुप हो जाती थी। पर अब जो है वैसा नहीं है, सुमुल ने अगर शुरू किया तो वो खत्म करके ही अपना मुंह जो है वो बंद करती है। वैसे जो है वो टीना के साथ बैठी होती है और टीना के साथ बैठ के वो ये बात बोलती कि मुझे कल रात जो है सपना आया और सपना बहुत ही ज्यादा प्यारा था। मैं घर चली गई थी, घर में घूम रही थी, जहां पर टीना जो है काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है वाओ यार तू घर चली गई थी तो वहां पर किस किस को देखा। जहां पर टीना बोलती है मैंने चार लोगों को देखा, पापा को देखा, सानिया को देखा, और जब वो दो लोगों का नाम बोलती है वहां पर म्यूट कर दिया जाता है। और उसके बाद वो ये भी बात बोलती हुई नजर आई कि किसी एक ने ना नेशनल टीवी पे कन्फेशन किया। और उसके बाद टीना बोलती है कि वाओ यार ये बात सच में हो जाए, उसको भेजो भेजो घर में भेजो। तो इतनी बात जो है वो सुनाई दी है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फहमान खान का नाम जो है शायद सुमुल खान ने बोला होगा, पर आई एम नॉट श्योर। क्या आप लोगों को लगता है कि सपने में फहमान खान आए होंगे तीसरे नंबर पे? बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में आपका क्या विचार है, या आपको लगता है कि कोई और आया होगा? हालांकि पापा और सानिया तो है ही, पर दो लोग ऐसे कौन है जिनको वो जीवन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।